रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे अनुलोम विलोम से भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, हाफ थर्मस ऑटोमैन सिस्टम पर, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम पर, और माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैरालिसिस, पार्किंसंस, SLMS ऑटोमैन डिजीज, डिमेंशिया, मस्तिष्क का सिकुड़ जाना, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, आंखों की रोशनी की कमी, कान में सुनने की समस्या, कम सुनना, और हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स, उसके लिए अद्भुत है यह अनुलोम विलोम। ये जब तक आप कम से कम 5 प्राणायाम और अधिकतम रोग उपचार की दृष्टि से 10 प्राणायाम पर्याप्त हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, रामरुद्र गीत, ये कम से कम 5। फिर थायराइड आदि है तो, और वैसे भी नहीं है तो भी तो उच्चाई करना ही चाहिए ना। मैंने बार बार कहा ना, सबके शरीर में सब रोग पैदा होने की संभावना है, सबके मन में किसी भी प्रकार का विकार आने की संभावना है। इसलिए योग के मूल सिद्धांत मैंने कहे थे कि योग एक तरफ जहाँ आपके शरीर, इंद्रिय, चित्त का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात, पित्त, कफ का, आपके पूरी प्रकृति का संतुलन करता है, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस करता है, संतुलन एक सिद्धांत बताया था। दूसरा मैंने पुनर्निर्माण, रिज्यूनेशन, रीजर्नेट कर देता है योग आपके सेल्स को, चाहे वो स्किन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, लिवर, किडनी, हार्ट के, लंग के, ब्रेन के, आईज के, सब सेल्स को रीजनरेट कर देता है, और जो अशुभ है उसको हटाता रहता है और शुभ को योग बढ़ा देता है।